Hey guys, so today I am going to make another Flipbookon Among Us. तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपके आइडिया से Flipbook बनाऊंगा. So इसके लिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ अपने चैनल पे. तो देखते हैं कौन कौन से आइडिया मिलते हैं. 2 hours later. तो आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे सबसे अच्छा जो कमेंट लगा, मतलब जो स्टोरी लगी, जो आइडिया लगा, वो था रोहन आर का, जिसमें उसने बोला था कि एक मिनी क्रूमेट इम्पोस्टर से रिवेंज लेगा. So let's start the making. तो जो हमारा पहला सीन है उसमें जो क्रूमेट है अपना टास्क पूरा कर रहा है, ये गेम वाला जिसमें रॉक्स को मारना पड़ता है. और इसको बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सी स्क्रीन बनाई है और उसका बॉर्डर बनाया है और खाली उसका जो टारगेट है उसको इधर उधर हिलाया. बहुत सिंपल सा था और ये कुछ बनने के बाद स्टैप कर दिया. तो अगले सीन में ये होगा कि जो क्रूमेट है और मिनी क्रूमेट है वो अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है. टेबल के ऊपर वो जो टास्क पूरा करने वाला गेम टाइप का है वो बनाया है और साइड में क्रूमेट को बनाया है. फिर सडनली पीछे से क्या होगा, एक इम्पोस्टर आ जाएगा और इम्पोस्टर आ जाएगा उसके बाद वो जो भी करेगा वो आप लोग जानते होंगे अच्छे से. और बनने के बाद ये कुछ इस टाइप का लगेगा. तो अगले सीन में अब ये होगा, जो इम्पोस्टर है वो क्रूमेट को मार देगा और मारने के लिए मैंने ये वाला स्टाइल अब की यूज़ किया है. और इस सीन को बनाने के लिए मैंने पहले जितनी भी जो रेड रेज होती हैं, जो लाइट निकलती है, वो पहले बनाई, फिर उसके बाद मैंने इम्पोस्टर और क्रूमेट को बनाया. और ये सीन बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा और कलर जब मैं करूँगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा ये. अब ये जो फ्लिपबुक का नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, क्योंकि अब जो बड़ा क्रूमेट था वो मर चुका है और छोटा वाला भी जिंदा है, तो वो चाहता है कि वो रिवेंज ले. तो रिवेंज लेने के लिए मैंने उसको लिंजा टाइप का बना दिया है, तो अब उसके अंदर लिंजा वाली सारी पावर आ गई है. फिर वो लिंजा के स्टाइल में उसको मार देगा. जो नेक्स्ट पार्ट है इस फ्लिपबुक का वो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, कुछ जो मुझे सबसे बढ़िया सीन लगा था वही मैं खाली दिखा रहा हूँ और बाकी का जो भी होगा वो आप लोग फ्लिपबुक में देखिएगा. और जो मैं ये वाला सीन दिखा रहा हूँ तो ये जो बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा. तो हमारी जो फ्लिपबुक थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस उसमें कलरिंग बची है. बस थोड़ी कलरिंग करने के बाद हम लोग फ्लिपबुक स्टार्ट करते हैं. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. इस बार भी मैं 200 लाइक्स का एम रख रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिएगा. और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्लिपबुक और ये वीडियो कैसी लगी. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.